आज हम देखेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें हम देख रहे हैं मुर्गी एवं भेड़ वाला प्रश्न। ठीक है, आप थंबनेल देख के पहचान गए होंगे कि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चंस है आपको आज के बाद ऐसे क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये जो होगा हमारा, ये लेक्चर नंबर 1 होगा। इसके 2-3 टाइप्स होंगे, जिसमें ऐसा नहीं है कि आपका केवल मुर्गी और गाय या फिर गाय और मुर्गी बकरी ऐसा ही क्वेश्चंस होगा, इससे टाइप्स भी कराएंगे। तो आप पूरे वीडियो को देखेंगे, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेक्चर 1, मुर्गी एवं भेड़ वाला प्रश्न। पहले क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा आप। बोला जा रहा है एक फॉर्म में गाय और मुर्गी है। क्या है? एक फॉर्म में गाय और मुर्गी है। ठीक है, एक फॉर्म में गाय है और मुर्गी है। यदि सिर गिने जाए तो 180 है। यदि सिर गिने जाए तो 180 है। यदि टांग गिने तो 420 है। उनके सिर गिने जाए तो 180 होता है और उनकी टांग को गिना जाता है तो 420 हो जाता है। तो फॉर्म में गाय की संख्या बताइए। फॉर्म में गाय की संख्या बताइए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि उनकी जो सिर गिनी जाती है तो 180 होता है। कोई भी जानवर हो, या तो गाय हो, मुर्गी हो, भेड़ हो, बकरी हो, कुछ भी हो, या इंसानी क्यों ना हो, सारे के सिर तो एक ही होते हैं ना, किसी का दो तो सिर होता नहीं है। यानी यहाँ पे हमें नंबर पता चल गया कि जानवरों की टोटल नंबर कितनी है सिर से। जब सिर देवे तो आप दिमाग में रखिएगा कि किसी भी जानवर हो या फिर इंसान हो, उसका सिर एक होता है। यानी उस फॉर्म में जो टोटल जानवर हैं 180 जानवर हैं। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ भी जानना होगा कि गाय के पैरों की संख्या कितनी होती है। गाय चौपाया होता है, गाय के चार पैर होते हैं। ठीक है, और मुर्गी की बात करें, मुर्गी की, तो मुर्गी के पैर कितने होते हैं? मुर्गी के जो पैर होते हैं वो दो होते हैं। चार गाय के पैर होते हैं और दो मुर्गी के। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे, कुछ नहीं करना है आपको। टोटल टांग कितना है? 420। और गाय की संख्या पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए गाय। आपको लिखने की जरूरत नहीं, हमें समझाना तो लिखना तो पड़ेगा ना। गाय पूछ रहा है तो गाय लिख दिए। और टोटल कितना है? टोटल टांग कितना है? 420 ठो। टोटल टांग कितना है? 420 ठो। अब एक चीज आप यहां ध्यान रखेंगे कि जब आपसे गाय पूछेगा तो आप मुर्गी के बारे में सोचेंगे, और जब मुर्गी पूछेगा तो गाय के बारे में सोचेंगे। यानी हमसे गाय पूछा जा रहा है, हमसे गाय पूछा जा रहा है। तो मुर्गी, मुर्गी का टांग कितना है? दो। बोले ना कि जब गाय पूछा जाए तो आप मुर्गी के बारे में सोचिए, और जब मुर्गी पूछे तो गाय के बारे में सोचिए। यानी कि यहाँ पे मुर्गी कितनी है, मुर्गी के टांग कितने होते हैं? दो। और टोटल सिर कितना है, टोटल जानवर कितना है? 180। यानी 180 यदि केवल मुर्गी होती तो उसका टांग कितना होता? 360 होता। बात समझ रहे हैं? यदि टोटल 180 मुर्गी ही होती तो उसके टांग कितने होते? 180 में 2 से गुना कीजिएगा, 360 लिख दीजिए। और बटा में इन दोनों का अंतर, डिफरेंस, इन दोनों का घटाव करके लिख दीजिए। 4 में से 2 घटाइएगा, 2। बस आपका मैथ बन गया। 420 में से 360 घटाइए, 420 में से 360 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 60/2, और इसको जब आप कटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 30। ये आपका डी नंबर जो है 30 आंसर हो गया। अगर से इसी क्वेश्चन में गाय है, मुर्गी पूछता तो क्या करते हैं? इसी क्वेश्चंस में मुर्गी होता तो भी ऐसे ही बनाते। कैसे बनाते? देखिए, ये तो हमारा आंसर हो गया, बट आगे के लिए कभी आपसे पूछ देवे कि गाय की संख्या ना बता के पूछ देवे कि मुर्गी की संख्या बताइए, तो क्या करेंगे? तो टोटल लिखिए, 420 है, और हमें गाय पूछ रहा था तो हमने मुर्गी के बारे में सोचा था। अब आपसे मुर्गी पूछ रहा है तो आप गाय के बारे में सोचिए। यानी टोटल यदि गाय 180 ही होती तो उसके पैर कितने होते? 180 में 4 से गुना करेंगे, 720 होते। कितने होते? 720। और सेम वही काम, इसका डिफरेंस 2। अब इसको जब आप घटाइएगा, तो कितना हो जाएगा? जब इसको आप घटाएंगे तो 300 हो जाएगा बटा 2। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर बड़ा ये है, छोटा ये है, तो माइनस में होगा। माइनस से कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट ये भी माइनस में है तो माइनस में नहीं लेंगे, माइनस कैंसिल कर देंगे। याद रखेंगे कि माइनस हमें कोई वास्ता यहाँ पे नहीं है। यानी यहाँ पे 150 मुर्गी। अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब गाय की जो संख्या, टोटल जो संख्या है 180 है जानवरों की, और गाय की संख्या 30 आ गई, तो 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 मुर्गी आ गया। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। या जब आप मुर्गी निकाल लिए 150, टोटल 180 है, तो गाय कितना होगा?
30 होगा। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, एक फॉर्म में गाय और मुर्गियों की संख्या है जिसकी सिरों की संख्या 180 है, तो सिरों की संख्या यानी टोटल है, क्योंकि एक जानवर के एक ही सिर होते हैं, यानी टोटल जानवर 180 हैं और उनके पैर का जो काउंट किया गया, गिना गया, तो 420 था। तो गाय की संख्या बताना है, तो पहले टोटल को ले लीजिए 420, और ये तो आपको पता है ना कि गाय के चार पैर होते हैं और मुर्गी के दो पैर होते हैं। तो जब आपसे गाय पूछे तो आप मुर्गी के बारे में सोचिए, जब मुर्गी पूछे तो गाय के बारे में सोचिए। यहाँ पे गाय पूछा जा रहा है, मुर्गी यानी 180 टोटल जानवर है, टोटल 180 मुर्गी होता तो पैर कितना होता, 360, 360 बटा 2 60, यहाँ पे 30 आ गया। और उसी तरीके से मुर्गी पूछे तो ये, अब उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एक बार इसको नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके पास है, अगर से क्वेश्चन नंबर वन आपको समझ में नहीं आया, उम्मीद तो है आपको पूरा समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम इतना उसको बेसिक से आपको बता दिए कि समझ में आना चाहिए, फिर भी नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर टू को देखिए, आपको 100% समझ में आना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ है, एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ हैं, उसमें क्या था, गाय और मुर्गी। तो कोई भी जानवर हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, अभी और भी क्वेश्चंस करवाएंगे इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है, आगे भी वीडियो लगातार मिलेगा इस टाइप का अभी फिलहाल। तो एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ है, सभी के सिरों की संख्या 38 है, सभी के सिरों की संख्या 38 है। अब यहीं पे आप याद कीजिए, पहला वाला क्वेश्चन में याद कीजिए कि सभी के सिरों की संख्या 38 है, यानी कि एक जानवर हो या इंसान हो उसका सिर तो एक ही होता है ना, डबल सिर वाला तो कोई नहीं होता ना, आप अपवाद विवाद में हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन होता तो नहीं है, रियलिटी में नहीं होता है, यानी कुल यहाँ पे हमें जानवर पता चल गया, कुल जानवर पता चल गया। अब बोला जा रहा है तथा पैरों की संख्या 100 है, पैरों की संख्या कितनी है, 100 है, तो भेड़ की संख्या कितने हैं, तो भेड़ों की संख्या आपको बताना कितनी है। अब आप पहले देख लीजिए कि क्या है आपके पास, आपके पास है मुर्गी और उसके बाद है आपके पास भेड़, यानी मुर्गी का जो पैर होता है, पैर तो देखें ना, मुर्गी का कितना पैर होता है, 2, और भेड़ का पैर 4 होता है, ये होता है। अब इसके बाद आप देखिए, आपको निकालना क्या है, भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे भेड़ों की संख्या, कैसे, देखिए टोटल, टोटल पैर कितना है, 100 है, तो लिख दीजिए 100 माइनस माइनस, आपको प्रीवियस में बताया कि जब भेड़ पूछे तो जो दूसरा जानवर दिया रहे, जैसे यहाँ पे मुर्गी है, तो भेड़ पूछे तो मुर्गी का सोचिए और मुर्गी पूछे तो भेड़ का सोचिए, बस मोजबानी क्वेश्चंस को करेंगे, ध्यान दीजिए। तो भेड़ की संख्या पूछ रहा है तो हम मानेंगे कि टोटल जो जानवर है वो मुर्गी है, टोटल जानवर क्या है, मुर्गी है, और मुर्गी कितना है, मुर्गी के दो पैर होता है, टोटल मुर्गी 38 है, यानी टोटल पैर कितना होगा, इसको गुना कीजिएगा तो 8 × 16 1 और 3 × 6 1 7, यानी कि 76 पैर होता, और इसको क्या करेंगे फिर, इसको घटाइए, 4 में से 2 गया 2, फिर ये लॉजिक मत लगा दीजिएगा, माइनस में होगा। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 2, इसको घटाइए, 100 में से 76 गया 24, 24 बटा 2, यानी यहाँ पे हमें निकल गया भेड़ की संख्या, भेड़ की संख्या कितनी है, 12, यानी ऑप्शन ऑप्शन आपका जो है सी सही है। अगर से इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि भेड़ की संख्या नहीं, भेड़ की संख्या के जगह पे आपसे बोलता कि मुर्गी की संख्या बताइए, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि भेड़ 12 है, भेड़ 12, बट उस समय आपको भेड़ क्यों निकालते, आप मुर्गी निकालते, फिर भी भेड़ 12 है और टोटल कितना है, 38, यानी 12 में से 38 में से 12 घटाइएगा, 38 में से 12 तो आपके पास 26 ठो जो है भेड़ होता और मुर्गी होता। निकालते कैसे, तो इसका निकालने का भी तरीका यही है कि मुर्गी की संख्या बराबर हो जाता 100 माइनस, और आपको क्या बोले, जब भेड़ पूछे तो मुर्गी का सोचिए और जब मुर्गी पूछे तो भेड़ का सोचिए, यानी टोटल पैर कितना है, 4, टोटल पैर 4 भेड़ का, और टोटल भेड़े होता तो पैर कितना होता, 38 × 4 और 4 × 32 2, 4 × 12 = 15, यानी टोटल पैर 152 होता, टोटल पैर 152 होता, और दोनों का डिफरेंस कितना पैर का, 2, तो बटा 2, 100 में से 152 नहीं घटेगा, 152 में 100 घटेगा, रिजल्ट माइनस में आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस से कोई मतलब नहीं है, यानी कितना हो जाता, 52 × 2 26, देख लीजिए अभी हम निकाले थे ना 26, अभी हम निकाले थे 26, आपका आ गया 26। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, भेड़ पूछे, मुर्गी पूछे, बस ट्रक पूछे, साइकिल पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सबका तरीका यही है, मोजबानी देखिए कैसे बनेगा।
एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ सभी के सिरों की संख्या कितनी है? 38। यहाँ पे पता चल गया हमें सभी के सिरों की संख्या 38, यानी टोटल जानवर कितने हैं? 38। आपको कुछ नहीं करना, उसके पैर, किसका पैर, टोटल पैर कितना है? 100। तो 100 दिमाग में रख लीजिए, 100। और पूछ क्या रहा है? भेड़, तो मुर्गी के बारे में सोचिए, मुर्गी का पैर कितना होता है? 2। 38 में 2 से गुना करेंगे 76, यानी 100 में 76 घटाएंगे तो 24 नहीं होगा, 100 में 76 घटाइएगा तो 24, और दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 2। तो 24 को 2 से भाग दीजिएगा, 12। आसान है, मुझबानी बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं, बस आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस रहेगा आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आपको करना क्या होगा कि इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए देखिए, यहाँ पे मुर्गी ले लीजिए, टोटल जानवर ले लीजिए 128, और पैरों की संख्या आप ले लीजिए 500। बी नंबर, टोटल जानवर ले लीजिए 140, पैरों की संख्या ले लीजिए 600। और सी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए टोटल जानवर 40 है और पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 62। ऐसा कुछ क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? तो एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ है, मुर्गी और भेड़ की जगह पे कुछ रख सकते हैं, बकरी भी रख सकते हैं। सिरों की संख्या 128 है, पैरों की संख्या 500 है, तो भेड़ों की संख्या बताइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ है, सभी के सिरों की संख्या 140 तथा पैरों की संख्या 600 है। पैरों की संख्या 600 है, लेकिन ये क्वेश्चन सबका गलत हो जाएगा, क्योंकि 14×56 यदि 4-4 पैर भी होता ना तो इतना पैर नहीं होता, इसलिए इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, इसको 200 रख लीजिए, ठीक है। टोटल पैरों की संख्या कितना है? 200। तो भेड़ों की संख्या बताइए। और एक और लास्ट क्वेश्चन आप बना सकते हैं कैसे, एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ है, सभी के सिरों की संख्या 40 है तथा पैरों की संख्या 62 है, तो भेड़ों की संख्या बताइए। तो भेड़ों की संख्या तो आपको क्वेश्चन बता दिए, आपको करना क्या है कि इस तीनों क्वेश्चंस को एक बार लिखना है कॉपी पे। लिखने के बाद आपको भेड़ और मुर्गी दोनों की संख्या फाइंड करनी है कि तीनों क्वेश्चंस में इसमें भेड़ और मुर्गी कितना होगा, इसमें भेड़ और मुर्गी कितना होगा, इसमें कितना होगा, और सारे के आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और जब ये प्रैक्टिस हो जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बुक में ढूंढिए और बनाइए, आराम से बनेगा। नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ टाइप्स लेके आएंगे, तो आप उसको पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट इस टाइप का वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो अभी इसी टाइप का होने वाला ये लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।